Tchau, नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू शो लेट्स कंटिन्यू आर इकोनॉमिक्स क्लास एनसीआर नाइन्थ क्लास की एन सी आर टी हम कर रहे हैं और गईज आज जो है यार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कुछ कवर करने वाले हैं सम बेसिक टॉपिक्स ओके सम बेसिक टॉपिक्स लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि बिल्कुल ए टू जेड जो है हम पढ़ने वाले हैं ए से लेकर पूरा जेड तक आपको पढ़ाने वाला हूँ तो गईज आज जो टॉपिक्स हम करने वाले हैं डिस्कस वो हालांकि जिनको पता है उनके लिए बहुत सिंपल है पर जिनको नहीं पता है और उनके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स है वो और आई एम श्योर कुछ लोग जो है मिडिल पाथ पॉलिसी भी पे फॉलो कर रहे होंगे जिनको कंसेप्ट पता भी है बट सही से नहीं पता तो वो तो बच्चों सबसे ज्यादा खतरे में है क्योंकि वो यू नो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे इससे रिलेटेड और वो जो है ट्रैप में फंस जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग में जो है एंड अप होंगे आखिर में तो कई टुडे विल बी डिस्कसिंग सम शॉर्ट सम गुड कंटेंट ओके सम गुड कंटेंट विच इज मैंशनड इन एनसीआरटी बट एक तरह से मैंशन नहीं है जैसे आप लोग मुझ में आप लोग में से कई जो है मुझसे पूछते हो कि सर खुद भी तो पढ़ सकते हैं एन सी टी में आपको बोलता हूँ नहीं बच्चों जो एजुकेटर पढ़ा रहा है उससे पढ़िए क्योंकि उससे एक आपको अलग ही प्रस्पेक्टिव पता चलता है ठीक है तो आज आपको पता चलेगा कि जैसे हम कैसे कैसे कुछ कंसेप्ट जो हमारे यार डे टू डे करंट अफेयर्स में आते हैं वो कैसे जो है एन टी से आप सीख सकते हो सो लेट स्टार्ट द क्लास ओके वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ठीक है तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास को डायरेक्टली ओके विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शो वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू बच्चों क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है क्लास को शेयर कर दीजिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए ठीक है तो यही बस आपका जो है फी यही फ़ीस है आपकी तो बच्चों जैसा कि कल हमने पालमपुर के विलेज के थ्रू जो है हमने तो क्या एनसीईआरटी ने मतलब हमको कई सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी लेकिन शायद वो एक नाइन्थ क्लास के बच्चे के लिए वो स्टोरी काफ़ी है ठीक है उसमें जो जो बातें उसने अपने हिसाब से ग्रैप्स करी बट मैंने आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी ऑफ पालमपुर बताई कि यूपीएससी में जो टॉपिक्स आते हैं उनके हिसाब से स्टोरी ऑफ पालमपुर जो है वो क्या महत्व रखती है उससे हम क्या सीख ले सकते हैं ठीक है थीके? इसी तरह से आज हम जो है पढ़ने वाले हैं पीपल एज अ रिसोर्स ओके पीपल एज अ रिसोर्स का मतलब अगर आपने इस तरह से भी सुना हुआ इस टर्म को जैसे कि ह्यूमन कैपिटल क्या होती है ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है ठीक है तो भाई ये बहुत हालांकि सिंपल कंसेप्ट है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए जिसको हम जगह जगह यूज कर सकते हैं यार इकोनॉमिक्स ही नहीं बल्कि अपने ऐसे में अपने और आंसर्स में जोग्राफी में भी हम अलग से पढ़ते हैं ह्यूमन जोग्रफी को पता है ठीक है ह्यूमन जोग्राफी में तो हम पूरा इसी पे फोकस होकर रहते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें मैं चाहता हूँ कि आपको जो है जो भी बच्चे मेरे मेरे से पढ़ रहे हैं उनमें क्रिस्टल क्लैरिटी हो उस टॉपिक को लेकर और गाइज ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बच्चों भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक ठीक है हमारा जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है मतलब हमारी जो पॉपुलेशन का जो जो मिक्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है हमारी पॉपुलेशन का उसके हिसाब से बचो ह्यूमन रिसोर्स भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शो कोई सरप्राइज नहीं होगा कि यूपीएससी ऐसे भी पूछ ले आप पूरा एक ऐसे आ जाए इसके ऊपर लिखने के लिए सो दैट विल नॉट बी अ सरप्राइज टू मी क्योंकि बच्चों भारत और चाइना ओके okay, इन देशों के लिए ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जो और देशों के पास नहीं है सो so, बेहतर तरह से हम इस पे आज जो है पूरा चैप्टर तो नहीं हो पाएगा ये आज आज आधा कर पाएंगे अपन इसको कल जो है हम इसको पूरा कर देंगे ठीक है लेकिन आज हम जो भी कंसेप्ट जानेंगे जो भी पढ़ेंगे वो मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो अप गई एंड प्लीज शेयर द क्लास प्लीज लाइक द क्लास ओके आपकी तरफ से मेरे को इतना सही बस हेल्प चाहिए और बाकी मैं सब देख लूँगा ठीक है बस बशरते बचो आपको जो है उसके बदले जो है बेहतरीन कंटेंट बेहतरीन नॉलेज और बेहतरीन जो है रेलेवेंस के साथ जो है कंटेंट आपको मिलेगा कंटेंट तो बचो बिखरा हुआ है यार बाजार में यूट्यूब पे हर जगह ओके लेकिन वो कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम में यू नो काम आए जो आपके लिए बहुत ही इसेंशियल हो सेग्रीगेटेड हो स्ट्रक्चर्ड हो ऐसा कंटेंट बहुत ही मुश्किल से मिलता है तो हमारा फोकस जो है उस पर ही है ठीक है तो चैप्टर टू की हम शुरुआत कर रहे हैं पे पीपल एज अ रिसोर्स ओके शो लेट्स अंडरस्टैंड इसके पीपल एज अ रिसोर्स कैसे पीपल जो है रिसोर्स होते हैं और इकोनॉमी में जो है कैसे हम इसको एक रिसोर्स की तरह काउंट करते हैं ओके वैसे बच्चों एथिक्स और अगर मोरालिटी के हिसाब से हम चलें तो इंसानों को जो है रिसोर्स कंसिडर करना ही जो है एथिक्स और मॉरल्स के हिसाब से जो है वही यू नो अगेंस्ट द प्रिंसिपल है बट यहाँ हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम पीपल को एज अ रिसोर्स मान के जो नो आगे बढ़ते हैं और यही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है पॉजिटिव कोनोटेशन भी है कि किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स को हम आगे बढ़ाकर बेहतर करके देश की इकोनॉमी को भी आगे बढ़ा सकते हैं और उन लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है जो आम लोग हैं उनका जो यू नो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो उनकी इनकम है उसको भी इनक्रीज़ कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं पूरे देश को ठीक है तो ये जो है हम आज पढ़ने वाले हैं सो आई होप आप समझ गए होंगे गिर जो जिस्ट है इसका लेट्स मूव ऑन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ठीक है गुड मॉर्निंग कृष्णा काजल धर्मवीर शर्मा प्रशांत पिकाचू अभिषेक अनूप पासवान ओके राहुल पटेल हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं नमस्ते राहुल कैसे हैं आप रागनी सुहानी मोहम्मद अयाज ओके प्रशांत एम प्रवीण अभिषेक तो सभी को बच्चों गुड मॉर्निंग और जो भी यू you नो know, दुआ सलाम सभी को ठीक है आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो और अच्छे ही रहें आगे भी ठीक है और बच्चों यूपीएससी क्रैक करने के बाद आई आईपीएस बनने के बाद भी आप अच्छे ही काम करें ताकि इस देश का जो है ह्यूमन रिसोर्स जो है थोड़ा बेहतर हो सके और सबका जो है उससे जो है विकास हो सके सबकी जो है यू नो डेवलपमेंट हो सके ठीक है तो बच्चों पीपल एज अ रिसोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओके सो यही आपको पता है यार ओके okay. uh, जैसे मैं कैसे एग्जाम्पल दू ठीक है तो सो लेट्स टेक इट दिस वे ठीक है बच्चों एक आदमी है जिसको खेती करना आता है बस ठीक है वो उसे खेती करना अंदर कुछ नहीं जानता वो और उस खेती करने की जो कला है उसके गांव में हर आदमी जानता है तो उसकी वैल्यू वैसे ही कम हो गई क्योंकि वो सब जानते हैं खेती करना क्या पुश्तैन हैं से देखते हुए आ रहे हैं उसी आदमी को बच्चों आपने ओके उसी आदमी को आपने गाड़ी चलाना सिखा दिया ड्राइवर बना दिया एक परफेक्ट वो गाड़ी चला सकता है अब वो बस भी चला सकता है वो ट्रक भी चला सकता है तो बच्चों आपने उसका जो है ह्यूमन रिसोर्स को जो है ऑगमेंट कर दिया आदमी वही है पर पहले जो है वो सिर्फ खेती करना जानता था चार पांच हजार रुपए सात छह सात हजार रुपए कमा सकता था महीने के वो लेकिन आपने उसको गाड़ी चलाना सिखा दिया सेम आदमी है लेकिन आपने उसको गाड़ी चलाना सिखा दिया उबर ओला में उसकी नौकरी लग गई है या उसने खुद की कोई गाड़ी खरीद ली या किराए पे ले ली और अब उसकी जो सैलरी है वो पंद्रह बीस हजार रुपये हो गई है तो बच्चों देश की इकोनॉमी में भी वो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो पेट्रोल बढ़ाएगा गाड़ी में उस पर जीएसटी देगा साठ टैक्स देगा उसकी खुद की भी सैलरी बढ़ गई उसकी पूरी फैमिली का जो है लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया ओके वो एग्रीकल्चर में जो वैसे भी ओवरबर्डन है लोग मैंने कल आपको बताया था एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा लोग हैं जिन्हें इतने लोगों की बच्चों में जरूरत नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में बेसिकली उस तो उससे ज्यादा लोग हैं तो वहां से भी वो शिफ्ट हो गया तो गई आप देखिए कितना फायदा है ह्यूमन रिसोर्स को हमने यहाँ पे क्या है इंक्रीज कर दिया ठीक है ये तो बच्चों ह्यूमन रिसोर्स को ऑगमेंट करना हो गया उसको जो है उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ाना हो गया ठीक है जैसे कि अब वो एक वो ड्राइवर है और बच्चों वही उसी इंसान को आप जो है पढ़ा लिखा कर कोई जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दीजिए तो वो जो है और बीस हजार की जगह जो है दो लाख रुपए कमाएगा महीने के तो बच्चों इस तरह से हमने ह्यूमन रिसोर्स को जो है हम बढ़ा सकते हैं ठीक है बच्चो आप देखो डेवलप्ड कंट्रीज ठीक है जापान जर्मनी ठीक है आपका यू नो यूएसए बचो यहां पर लोग हमारे से बहुत कम है यहाँ की जो आबादी है इन देशों की जो आप, मैं आपको नाम ले रहा हूं ये डेवलप्ड विकसित देश हैं इनकी आबादी बच्चों हमारे से बहुत कम है लेकिन इनका जीडीपी जो है इनका जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो हमारे से बहुत ज्यादा है तो बच्चों वो इसीलिए ज्यादा है क्योंकि बच्चों ये लोग अपने ह्यूमन रिसोर्स का जो है बेहतरीन इस्तेमाल ले रहे हैं इनका जो ह्यूमन रिसोर्स है ऑप्टिमम है समझ रहे हो आप तो ये ह्यूमन रिसोर्स की कहानी है ठीक है तो बच्चों पहली बात यहां पर जो आती है वो ये आती है कि ह्यूमन रिसोर्स तो बच्चों आपके पास होना चाहिए ठीक है कई अभागे कई अनलक्की कंट्रीज ऐसे ऐसे भी हैं जिनके पास ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है जैसे कि जापान है अब उसकी पॉपुलेशन जो है बच्चों वो डिक्लाइन हो रही है बूढ़े लोग ज्यादा हो रहे हैं यंग लोग नहीं है ओके okay, इकोनॉमी के अंदर ओके okay, जैसे कि रशिया है ओके okay? अब बच्चों रशिया के पास सब कुछ है रशिया के पास देखो टेक्नोलॉजी भी ठीक ठाक है रशिया के पास बच्चों सारे पेट्रोल ईंधन ऑयल गैस वगैरह सब कुछ है लैंड उनके पास सबसे ज्यादा सबसे बड़ा देश है दुनिया का लैंड के हिसाब से सब कुछ है रशिया के पास क्या नहीं है एक चीज देखिए बचो रशिया के पास ह्यूमन रिसोर्स ठीक है ह्यूमन रिसोर्स नहीं है वहां लोग ही नहीं है ओके तो ये गई रिसोर्स हालांकि लगता हमें छोटा है लेकिन बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है आपको बताया बच्चों रशिया के अंदर एक जो है अवार्ड दिया जाता है मदर लेनिन अवार्ड ठीक है मदर लेनिन अवार्ड दिया जाता है जो औरत दस या बारह बच्चे पैदा करती है एग्जैक्टली exactly मुझे नहीं पता बट दस या बारह ऐसे कुछ है ग्यारह ऐसा कुछ है कि इससे इस ज्यादा अगर वो औरत बच्चे पैदा करती है तो बच्चों उसको जो है मदर लेन अवार्ड मिलता है जिसमें उसको बहुत ज्यादा बहुत सारा कैश एक गाड़ी बढ़िया टिपटॉप बढ़िया मकान रहने को ये सब जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वहां की सरकार उसे देती है इसे कहते हैं बच्चों हम प्रो नैटल पॉलिसीज ये होती है प्रो नैटल पॉलिसीज प्रो मतलब बढ़ावा देने के लिए नेटल मतलब बच्चों को प्रो नैटल पॉलिसी कहते हैं इसको ठीक है ये है बच्चों प्रो नैटल पॉलिसी रशिया की मदर लेनिन अवार्ड चाइना में अभी तक क्या चल रहा था अभी तो बंद कर दिया उन्होंने ओके वन चाइल्ड पॉलिसी चल रहा था चाइना में कि एक ही बच्चा पैदा कर सकते हो आप ठीक है वन चाइल्ड पॉलिसी ओके इस तरह की पॉलिसीज को कही हम कहते हैं एंटी एंटी नेटल पॉलिसीज ओके एंटी नेटल पॉलिसीज जो बच्चा पैदा करने पे रोक लगाए या बच्चा पैदा करने को प्रमोट ना करे सरकार तो बच्चों ह्यूमन रिसोर्स का बहुत बड़ा खेल है ठीक है ह्यूमन रिसोर्स का बहुत बड़ा खेल है ठीक है तो ह्यूमन रिसोर्स का बहुत बड़ा खेल है तो बच्चों ह्यूमन रिसोर्स पहली बात तो होना चाहिए एक तो पहली बात तो उसकी कंडीशन है इट शुड बी देयर ओके आप क्योंकि बच्चे जो है या इंसान जो है आप फैक्ट्री में तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते हो तो होने चाहिए कंट्री के अंदर और बच्चों दूसरी जो कंडीशन हमारी आज रहेगी जो क्लास में डिस्कशन रहेगा वो बच्चों ह्यूमन रिसोर्स आपका जो है काम का होना चाहिए ऐसा नहीं लिथार्जी कुछ आता जाता ही नहीं उसको बैठा हुआ है भाई कुछ नहीं कर रहा है काम चो है घर पे पलंग तोड़ रहा है रोटियां तोड़ रहा है तो वैसा भी नहीं चाहिए हमको तो क्वालिफाइड होना चाहिए पढ़ा लिखा होना चाहिए ओके जितना हम उसकी जो है ट्रेन ट्रेनड होना चाहिए वगैरह वगैरह तो बच्चों ऑगमेंट हमें करना है उसको जो है इंप्रूव करना है और उसका होना तो एक बहुत बड़ा जो है वरदान है

कंट्री की बच्चों वर्किंग इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी स्किल्स के बेसिस पे जो है आप जज कीजिए उनको के ह्यूमन रिसोर्स कैसा है और उनकी एबिलिटीज काबिलियत क्या है उन लोगों की लाइक अदर रिसोर्सिस मतलब कह रहे जैसे बाकी रिसोर्स होते हैं वैसे ह्यूमन रिसोर्स भी एक रिसोर्स होता है ठीक है तो उसके लिए बच्चों एजुकेट करना पड़ेगा हमें उन्हें बढ़िया जो है हेल्दी लाइफ देनी पड़ेगी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी तरह तरह की सारी चीजें देनी पड़ेगी तो यहां पर बात होती है ह्यूमन कैपिटल बच्चों सुपुर सुपीरियर बता रहा है ये सारे रिसोर्स का मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा लाइव जिंदगी से लाइफ एग्जाम्पल दूंगा आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ठीक है तो बचो ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा है तो गई कल हमने डिस्कस किया था कि बचो चार फैक्टर्स जो होते हैं प्रोडक्शन के लिए मान लो आपको अंबानी बनना है अदानी बनना है ऐसी ख्वाहिश आपके मन में आ सकती है भगवान ना करे अगर आपका यूपीएससी ना हो तो आपका जो है अंदर से ईगो जो है बहुत बड़ा हो जाता है फिर कि यार आप कुछ करके दिखाना है तो हो सकता है आपको कहीं अदानी अंबानी बनने के लिए जो है आपकी जो है अंदर से मन में जो इच्छा हो तो कोई गलत बात नहीं है तो मैंने आपको कल बताया था यही से आपको चार चीजें चाहिए होगी लैंड ओके फैक्ट्री जहां कहाँ लगाओगे आप ओके लेबर चाहिए होगा आपको कैपिटल चाहिए होगा ठीक है पूंजी चाहिए होगी मतलब जिससे आप ये लैपटॉप वैपटॉप या फैक्ट्री या मशीनें वगैरह खरीद सको और बच्चों लास्ट में आपको जो है एंट्रोप्रनोर यानी कि एंटरप्राइज चाहिए होगा जो इन सब का सही से यूज कर सके तो बचो एनसीआरटी कह रही है कि ये जो ये वाला जो फैक्टर है ना यू ये वाला फैक्टर जो है ह्यूमन रिसोर्स ये जो एंटरप्राइज है या जो एंट्रोप्रनोर है बेसिकली जो एंट्रोप्रनोर है जो कि जो कि एंट्रोप्रोनोर है जो कि पूरा बिजनेस पूरा फैक्टर जो है संभाल रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है है। जैसे, आप आपने सुना कि के पास जैसे कुछ भी नहीं था ओके। जैसे बिल के पास जैसे दो सौ डॉलर ऐसे बच्चों भारतीय जो एयरटेल कंपनी के मालिक हैं उनकी भी कहानी फेमस है कि वो जब घर से निकले थे तो उनके पास मात्र बीस हजार रुपए थे वो बीस हजार रुपए से आज जो है उन्होंने एयरटेल खड़ा कर दिया और पता नहीं एयरटेल बच्चों दुनिया में जो है सर्विज दे रहा है अपने को नहीं है सिर्फ इंडिया में ही एयरटेल काम कर रहा है एयरटेल बच्चों श्रीलंका अफ्रीका हर जगह आपको एयरटेल की सर्विसेज और जो है एयरटेल पूरा फैल रहा है दुनिया में तो कहां 20 से एक आदमी ने जो है ओके okay, क्या क्या क्रिएट कर दिया कितनी जमीन ले ली कितना लेबर को एम्प्लॉयमेंट दे दिया उसने कितनी कैपिटल यू नो जनरेट कर ली सिर्फ बीस हजार रुपए से तो बच्चो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो क्या लग रहा है ओके okay, क्या ये सब चीज ज्यादा जरूरी है या ये ह्यूमन रिसोर्स ये एंटरप्रनोर जो है वो ज्यादा जरूरी है तो बचो एंटरप्रनोर ज्यादा जरूरी है अगर आप काबिलियत है आप पाँच हजार से भी जो है पचास लाख कर सकते हो उसके पाँच पांच लाख कर सकते हो और उसके पाँच हजार से जो है आप पाँच करोड़ भी कर सकते हो अगर आप काबिलियत नहीं है तो पाँच हजार डुबोग दोगे आप जीरो हो जाओगे और बहुत ही अगर आप सुपर काबिल हो तो पाँच का आप जो है माइनस पांच में चल जाओगे उधारी में और आ जाएगी घर पे जो है मांगने वालों की जो है भीड़ खड़ी हो जाएगी तो गाइड इट्स ऑल डिपेंड ऑन हाउ मच यू नो अ पर्सन इज स्किल्ड अ पर्सन इज ट्रेन और अल्टीमेटली तो बच्चों भगवान का दिया हुआ जो वरदान होता है कि अल्टीमेटली जो है कितना जो है ठीक है अल्टीमेटली जो है कितना आप में पोटेंशियल है उन सब चीजों को यूज करने का ठीक है तो ये सारी की सारी बात है आपके लिए तो आई होप आप समझ गए तो बच्चों ह्यूमन रिसोर्स का यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आप ह्यूमन रिसोर्स का जो आप देख सकते हो यहां पर ठीक है दिस इज एग्जांपल तो बच्चों अगर लोग आपके पास ऑलरेडी हैं हम ये मान रहे हैं हम ऐसा नहीं मान रहे हम लोग ही नहीं है तो उसका तो बच्चों कोई सोल्यूशन नहीं है फिर तो मदर लेडन अवार्ड और ऐसे जो है पॉलिसीज आप लाओ ताकि लोग जो है बच्चे पैदा करें ज्यादा और ह्यूमन रिसोर्स देश का बढ़े हम ऑलरेडी ये मान रहे हैं कि लोग देश में ऑलरेडी हैं किसी भी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल की कोई कमी नहीं है लेकिन बच्चों अगर वो ओके okay, अगर वो लोग जो हैं इफ दे आर नॉट ट्रेन अगर उन्होंने ट्रेनिंग नहीं है उनके पास एजुकेटेड नहीं है एम्पावर्ड नहीं है स्किल्ड नहीं है तो हाल बच्चों ये होने वाला है देख लीजिए आप वो भीख मांगेंगे ठीक है वो बोझा बनेंगे सरकार के ऊपर टैक्स पेयर के ऊपर जो टैक्स देते हैं उन उन पे बोझा बनेंगे कैसे बनेंगे सरकार को उनके लिए स्कीमें चलानी पड़ेंगी फ्री में खाना बांटना पड़ेगा फ्री में चीजें देनी पड़ेगी और बचो सरकार के पास कोई जादू की मशीन तो है नहीं है सरकार के पास तो पैसों की बारिश हो रही है सरकार टैक्स फेयर का जो पैसा लेती है वही पैसे से जो है स्कीमें चलाती है ओके सस्ते में अनाज वगैरह देती है तो बच्चो एक तो आपके पास सस्ता ये है जानेगा और बचो इसी पॉपुलेशन को अगर आपने ट्रेन कर दिया एजुकेट कर दिया एम्पावर कर दिया स्किल कर दिया तो बच्चों यही फिर जो है ये कौन है ये जेम्स बॉन्ड है ये जेम्स बॉन्ड बनेगा ये जो है इंजीनियर बनेगा ये जो है माइकल जॉर्डन बन गया बास्केटबॉल खेलते खेलते ये पता नहीं क्या बना है ये डॉक्टर बन गया तो बचो आपको कैस क्या चाहिए आप देख लीजिए आपको ये चाहिए अपने देश में या आपको अपने देश में ये चाहिए तो ऑब्वियसली पूछने की जरूरत नहीं हमको यही चाहिए हमारे देश में तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमारे देश में भगवान की दया से ऊपर वाले का जो कर्म से जो है ऑलरेडी हमारे हम पास ह्यूमन रिसोर्स की कोई कमी नहीं है जरूरत सिर्फ इसलिए है जरूरत सिर्फ इसकी है कि हम जो है उनको ट्रेन करें एजुकेट करें एम्पावर करें स्किल करें ठीक है इसलिए बच्चों जो नई सरकार जो है नई गवर्नमेंट बनी इसने इस बात को समझा और बच्चों इसने जो है ये जो नई गवर्नमेंट है बचो है बहुत ही प्रोएक्टिव है अगर देखा जाए तो स्किल डेवलपमेंट को लेकर ठीक है स्किल डेवलपमेंट को लेकर जिससे इतने ही बच्चों प्रोएक्टिव है हमारी सरकार कि मोदी जी जो पहली बार आए थे तो उन्होंने नया मंत्रालय क्रिएट कर दिया नई मिनिस्ट्री नया पूरा मंत्रालय क्रिएट कर दिया स्किल डेवलपमेंट के ऊपर 2015 में ही 2014 में वो जीत रहा 2015 के अंदर ही उन्होंने जो है स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी निकाल दी क्योंकि उनको पता था कि भैया ये जो लोग हैं हमारे देश में बहुत ज्यादा लोग हैं यंग लोग हैं आप जैसे मेरे जैसे इनको अगर काम ढर्रे पे नहीं लगाया तो ये जो है देश पे बर्डन बन जाएंगे इकोनॉमी पे जो है बर्डन बन जाएंगे लाइव लिविंग स्टैंडर्ड देश का नीचे गिर जाएगा और अगर इनको स्किल कर दिया तो ये इकोनॉमी में जो है कंट्रीब्यूट करेंगे टैक्स पेयर बनेंगे देश आगे बढ़ेगा इससे ये खुद आगे बढ़ेंगे इनके फैमिलीज हैं वो आगे बढ़ेंगी तो गई ये इंपॉर्टेंस है बच्चों स्किल डेवलपमेंट का ठीक है ये इंपॉर्टेंस है स्किल डेवलपमेंट का ठीक है सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स अब बचो ह्यूमन रिसोर्स है नहीं किसी के पास तो उसका तो कोई इलाज नहीं है आप किसी को जबरदस्ती तो कर नहीं सकते के बच्चे पैदा कर भाई ठीक है लेकिन अगर ऑलरेडी लोग हैं इकोनॉमी में अच्छे खासे लोग हैं इस ब्रैकेट के अंदर पंद्रह से लेकर साठ का जो ब्रैकेट होता है बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रैकेट होता है इकोनॉमी के हिसाब से ठीक है इसके इधर वाले और इसके इधर वाले ये डिपेंडेंट रहते हैं उसे हम कहते हैं डिपेंडेंसी रेशो तो आपके इधर वाले बढ़ रहे हैं बुढ़े लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं ओके तो बच्चों डिपेंडेंसी रेशो जो है इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाएगा यानी कि कमाने वाले लोग कम हैं और उन पे जो डिपेंडेंट है वो लोग कम है तो बचो इकोनॉमी जो है नीचे जाएगी ओके अगर यहां लोग ज्यादा हैं ओके यहां लोग कम हैं ओके तो बच्चों इकोनॉमी जो है आगे बढ़ेगी क्योंकि कमाने वाले ज्यादा हैं डिपेंडेंट लोग हैं वो कम है तो बचो भारत अभी जो है आप चाहे भारत को कितना भी कोसी है बचो लेकिन ये चीज हमारे पास पॉजिटिव है कि हमारी मोर देन सिक्सटी परसेंट पॉपुलशन जो है इस ब्रैकेट के अंदर आती है अब बच्चों मोर देन सिक्सटी परसेंट पॉपुलेशन हमारी ठीक ठाक इस ब्रैकेट के अंदर आती है और ये पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से अब हमारे पे डिपेंड नहीं करता है कि हम उसको स्किल करें ट्रेन करें एम्पावर करें ओके तो उसका जो है एजुकेशन उसका अच्छा करें हेल्थ उसकी अच्छी करें ताकि हम उनको ये सब बना सकें ना कि ये सब बने हो ठीक है तो ये वजह फायदा है आपके स्किल डेवलपमेंट और यू नो ह्यूमन रिसोर्स के सही इस्तेमाल का उसकी सही ट्रेनिंग उसको सही सुख सुविधाएं दो जिसमें जो है स... सबका ही फ़ायदा है मेरे हिसाब से ठीक है सो दिस इज द थिंग ओके सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल हेयर कोई भी दिक्कत अगर आपको हो रही है यस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ठीक है बच्चों इसके लिए कौशल विकास योजना है मैंने कल भी आपको बता दी कई स्ट्राइड स्कीम है स्ट्राइव स्कीम है इसके लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बना दी गई है क्योंकि बच्चों चलो मानो हमने इस, इस जो ये डेमो इसको कहते हैं बच्चों डेमोग्राफिक डिविडेंड ठीक है अब आपको थोड़ा मैं डिटेल में समझाता हूं समस्या क्या हो सकती है देखो मैंने एक स्टॉक खरीदा सौ रुपए का बच्चों वो स्टॉक जो है सौ रुपए का दो सौ का हो गया डेढ़ सौ हो गया अच्छी बात है पचास रुपये मैंने कमा लिए उसके ऊपर दो सौ सौ रुपये कमा लिए लेकिन बच्चों वो स्टॉक अगर सौ रुपए का मैंने खरीदा और तो बीस रुपए का हो गया यानी कि अस्सी रुपए नुकसान तो बचो मैं तो पागल हो जाऊंगा मैं तो बैंक्रप्ट हो जाऊंगा तो गाइज ऐसा ही बचो हाल कुछ भारत का हो सकता है अगर गाइज हमने ये जो हमारा इसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंट है हमारे पास ये पचास से ये आप वर्ड याद कर लीजिए हालांकि एनसीआरटी में नहीं है बट हमें एनसीआरटी के हिसाब से नहीं चलना हमें यूपीएससी के हिसाब से चलना है ठीक है तो बच्चों पचास से साठ का जो ये, ये तबका है ठीक जो जो है डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक डिविडेंड ठीक है demographic, demographic dividend, ओके बच्चों अगर हमने ये डेमोग्राफिक डिविडेंड यूज नहीं किया ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बच्चों ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है ठीक है क्योंकि ये लोग जो है आपके ऊपर फिर जो है डीमक की तरह जो है देश की इकोनॉमी जो है उसके ऊपर जो है लद जाएंगे और बोझा बन जाएंगे इकोनॉमी को ड्रैग डाउन कर देंगे पीछे घसीट लेंगे ठीक है शो यू you नो know, एक, एक आपको अच्छी बात बताता हूं हालांकि हाई लेवल की बात है बहुत

तो आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो वो बहुत बड़ा एक तरह से आप जो है यू नो एक बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज है केपेबिलिटी अप्रोच तो जो केपेबिलिटी किसी भी आदमी की कम ज्यादा हो सकती है अगर आप उसकी हेल्थ सही नहीं है कोई डिसेबल्ड हो गया बेचारा किसी हाथ पाऊं किसी ने अपने गवा दी तो वो जो केपेबिलिटी अप्रोच है तो आप इसको आप इसको आप अपने जो है जैसे इस बार एक क्वेश्चन uh, आया था अभी मेन्स में डिसेबल्ड uh, लोगों के ऊपर विकलांग लोगों के ऊपर तो वहां पर आप ये बात लिख सकते थे कि कैपेबिलिटी अप्रोच अमृत्य सेन की जो नोबल लॉरियट हैं उन्होंने ऐसा कहा है तो हमें उनकी बात का जो है संज्ञान लेना चाहिए और हमें जो है उस पर काम करना चाहिए तो बच्चों अभी ये अपने हाथ में है कि पंद्रह से साठ लोगों से या तो डेमोग्राफिक डिविडेंड ले लें मतलब वही सौ रुपए का शेयर या तो हम जो है डेढ़ सौ का कर लें या दो सौ का कर लें या ज्यादा जोर लगा दिया तो ढाई सौ का भी कर सकते हैं हम या फिर हम हमारे पास ये सौ रुपए है हम इसको डिग्रेड कर कर जो है माइनस पचास में चले जाएं माइनस दो में चले जाएं, माइनस बीस में चले जाएं, तो ये हमारे हाथ में है तो बच्चों ये जो है आपका ये जो है ये आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड आपने यहां पे टैप कर लिया और ये है आपका डेमोग्राफिक डिजास्टर तो बच्चों दो वर्ड हमने सीखे डेमोग्राफिक डिविडेंड और डेमोग्राफिक डिजास्टर ठीक है तो ये आपके लिए दोनों जो है वर्ड्स आपको याद रहने चाहिए मेरे हिसाब से तो यही एनसीआर बताना चाह रही है बट वो ये वर्ड यूज नहीं करना चाह रही नाइन्थ क्लास में अपन आगे बढ़ते हैं ठीक है तो एक और बच्चों इशू बहुत आता है यार जो कि आजकल तो बहुत ही ज्यादा ये इशू ये नो पिछले दस बीस सालों से तो मतलब पिछले टेन लास्ट टेन ईयर से तो बहुत ज्यादा इशू हो गया है वो जो वुमेन का रोल को लेकर है इकोनॉमी के अंदर ठीक है वुमेन का रोल को लेकर है इकोनॉमी के अंदर वो जो वुमेन एक बहुत बड़ा लगभग हम मान सकते हैं कि 50 50 प्रतिशत फिफ्टी फिफ्टी का रेशो है यानी कि काट काट का मैंने सी सेट लगा दिया थोड़ा अगर वन इजू वन का रेशो है बच्चों मैन वुमेन का ठीक है मतलब लगभग 50 अगर अब देश में जैसे हजार लोग हैं तो लगभग 500 लोग जो है आदमी हैं पांच जो है औरतें हैं ठीक है बच्चो यहां दिक्कत ये यह और गई है कि बच्चो ये जो हम ये जो हमारी पांच जो वुमेन है ठीक है इनको गाइज भारत के अंदर क्योंकि आपको पता है पेट्रियार्कल सोसाइटी है, हमारी पुरुषों को ज्यादा जो है देखा जाता है हर चीज में आगे हैं वो ओके हालांकि वो कुछ आ, किसी में भी आगे ना हो तो भी उनको जो है हर चीज में आगे रखा जाएगा घर के सारी जिम्मेदारियां घर के सारे काम इवन बच्चों ऑफिस तो प्लेसेस में भी कॉपोरेट्स में भी जो है उनको प्रायोरिटी दी जाती है हिडन होता है वो सब ऐसे ओपनली नहीं होता ओपनली तो हम बोलते हैं हाँ हम तो भाई सब बराबर बराबर है लेकिन आपको पता है बच्चों असलियत खास नहीं है यहाँ यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं ओके उन्होंने ये बातें जो है अपने पूरे जीवन काल में देखी इवन इवन बच्चों वो इस बात को जो है ज़्यादा बेहतर तो समझ पाएंगी इवन गई घर में भी यार जो है कॉम्प्रोमाइज होता है ठीक है अगर आप जैसे किसी अच्छी फैमिली से नहीं मतलब आपकी फैमिली जो है थोड़ी पुअर है या फैमिली जो है यू नो इतना अच्छा अर्निंग नहीं है तो गई इवन जो है खाने पीने की चीजों में भी जो लड़कियों को जो है लास्ट में रखा जाता है जैसे घर में फल आए ओके तो जो लड़का है उसको यू नो ज्यादा आप वो मिलेगा लड़की को लास्ट में रखा जाएगा कि इसको क्या है तो पराया धन है ठीक है जैसे श्रुति शर्मा है जैसे उसने लिखा था वो रैंक वन है उन्होंने लिखा था कि क्लियरली कोट अनकोट कि वुमेन को तो ऐसा समझा जाता है कि पराया धन है वो तो उसमें ज्यादा क्या इन्वेस्ट करना उसको तो एक दिन घर छोड़ के जाना है उसकी ना पढ़ाई क्या करानी उसकी हेल्थ क्या ध्यान रखना उसका न्यूट्रिशन क्या देखना लड़का जो है वो अपना है वो घर में रहेगा तो बच्चों ये सोच जो है ओके, बहुत ही खराब है बहुत ही घिनौनी है और इस वजह से बच्चों क्या हो रहा है हमारी जो वुमेन है उसका जो है बच्चों लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इसे हम कहते हैं एल एफ पी आर इसको हम कहते हैं एल एफ पी आर बच्चों लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट दुनिया में भारत में सबसे नीचे है हमारा 28 परसेंट से भी नीचे है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब क्या समझे आप मतलब 28 परसेंट है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब अगर बच्चों 100 वुमेन या 100 औरतें हैं 15 से 60 साल की एज में यानी ये काम कर सकती ये वर्क कर सकती हैं ये ओके okay? लेबर फोर्स लेबर में ये जो है अपना कंट्रीब्यूट कर सकती है इन पंद्रह से साठ साल में से केवल अट्ठाईस प्रतिशत औरतें लड़कियां ओके यानी कि सौ है हमारे पास टोटल तो केवल अट्ठाईस जो है वही बच्चों इकोनॉमी जो है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है ओके तो बच्चों ये दुनिया का सबसे लोएस्ट हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इसके कारण आप खुद भी जानते हो जैसे कि आपको थोड़ा धक्खा मारता हूं तो आप फिर खुद सोचना चालू करना क्यों है बच्चों लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्योंकि यहां हम और फीमेल्स को काम नहीं करने देते उनके हस्बैंड कहते हैं नहीं घर का काम करो बाहर मत जाओ ठीक है हस्बैंड चलो तो थोड़ा समझदार है निकला कर दो हस्बैंड के जो माँ बाप हैं वो कहेंगे नहीं नहीं बहू को तो घर पे ही रहना है घर का काम संभालना है सारा ठीक है तो वो घर पे ही रह जाती है फिर बच्चों सिक्योरिटी इशूज हैं कि तो वुमेन सेफ फील नहीं करती बाहर जाते हुए फिर बच्चों जेंडर पे गैप ये भी आपको पता होना चाहिए जेंडर पे गैप भी है वही काम अगर यू you नो know, एक मैन कर रहा है एक आदमी कर रहा है तो उसका सैलरी जो है वो ज्यादा है वही सेम काम एक औरत से करा रहे हो तो उसकी सैलरी जो है लो है पर्टिकुलरली बच्चों इनफॉर्मल इकोनॉमी जो होती है ठीक है इनफॉर्मल जो इकोनॉमी होती है वहां पर यह देखा गया है कि जेंडर पे गैप बहुत है देखने को जो मिलता है यानी कि यू नो जेंडर बेसिस पे जो है भेदभाव किया जाता है कि औरत है तो चलो कम पैसे दो उसको काम के आदमी है तो थोड़े ज्यादा पैसे दे दो उसको काम करने के तो बच्चो ये जेंडर पे गैप जो है ये डीमोटिवेटर की तरह एक्ट करता है ये वुमेन को सोचता है कि वुमेन को डीमोटिवेट करता है कि वो काम इकोनॉमी में जो है कॉन्ट्रीब्यूट ना करे और ऐसे बच्चों सौ कारण है उनको स्टार्टिंग से भेदभाव उनके साथ किया जाता है उनको पढ़ाया नहीं जाता उनको सिखाया कुछ नहीं जाता तो वैसे भी कुछ काम का आगे वो करने के लायक रहती ही नहीं है तो ये भी एक कारण है आप अपने चार कारण और दे सकते हो बहुत अच्छी बात है आप चार कारण और अगर सोच पा रहे हो क्योंकि सीधा सीधा बच्चों यहाँ एनसीआर से ऊपर निकलकर हम जो है अब सीधा यूपीएससी के पेपर पे आ गए मेंस में आ गए और मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों जो है जेंडर पे गैप या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो क्यों भारत में कम है क्योंकि दुनिया की सबसे कम हमारे पास जो है इससे बचो कई जो इंडेक्सेस होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ओके जेंडर इनइलिटी इंडेक्स ओके ओके और उसे क्या कहते हैं जी जी आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ वो बहुत वो फेमस इंडेक्स है ओके तो उन सब इंडेक्स से बचो हमारी वैल्यू जो हमारी वैल्यू है एस वगैरह में भी गोल है गुस्सा एस डी जी फाइव है शायद कि इनमें को खत्म करना है एस डी जी टेन भी इस पर ही है लगभग लगभग तो वो सब पे बच्चों हम फेल हो रहे हैं अगर हम हमारी वुमेन को सुपर वुमेन नहीं बनाएंगे तो बच्चों आदमी आदमी सुपर मैन बनता रहेगा वुमेन को हम नहीं बनाएंगे तो फिर तो वो एक तरह से भेदभाव है सीधी सीधी तरह से

इकोनॉमी पे चलते हैं यहां तक किसी को दिक्कत है तो प्लीज आस्क मी अब हम थोड़ा इकोनॉमिक कंसेप्ट समझते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर हम समझते हैं इकोनॉमी के और आगे बढ़ते हैं ठीक है सो द डिविजन ऑफ द लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इज नॉट यू नो एट पावर इट इज नॉट इिटेरियन इट इज नॉट ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ओके हालांकि हमारे संविधान के जो प्रियम्बल है उसी में लिखा हुआ है कि देर विल बी यू नो इकोनॉमिक जस्टिस होगा पॉलिटिकल जस्टिस होगा हर तरह का जस्टिस होगा लेकिन बच्चों यहां पर शायद हम फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं पर्टिकुलरली हमारी वुमेन का जो रोल है इकोनॉमी के अंदर उसको देखते हुए अगर आप बाहर कभी जाओगे या कभी बाहर के आपने जो मूवीज वगैरह देखी है तो उसमें देखा ही होगा कि ऐसी कोई मूवी नहीं होती होगी चाहे जिसमें जो है वुमेन का रोल है और वो वुमेन जो है वर्किंग नहीं है मोस्टली वुमेन वर्किंग होती ही है वहां पर ठीक है तो ये भी बच्चों फायदा है वहां पर पॉपुलेशन कम है पच्चीस तीस करोड़ ही पॉपुलेशन है जैसे ओके okay, आपके अमेरिका की पर वो सारे लोग काम कर रहे हैं यहां पर 100 करोड़ पॉपुलेशन है बट 50 परसेंट फिफ्टी करोड़ से तो आप कुछ काम लेना ही नहीं चाह रहे हो आपके मन में ही नहीं है कि हम उनका काम में लें तो कैसे फिर आप आगे बढ़ोगे समझ गए आप सो लेट्स मूव टू द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर बचो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हालांकि बहुत बेसिक बात है लेकिन ये बेसिक बातों को ही हमें ध्यान में रखना है और इन बेसिक बातों को हमें हमारे आंसर्स में डालना है और आजकल बचो यूपीएससी भी मेंस में जैसे मैंने इस बार देखा काफी क्वेश्चन जो है जैसे हमने हमने ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी करी थी इलेवंथ क्लास की उसमें से तीन क्वेश्चन डायरेक्टली आ गए थे तो बचो यूपीएससी भी थोड़ा फोकस जो है बेसिक्स पे कर रही है ताकि यंग लोग हैं जो फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्टर हैं आप जैसे लोग उनको ज्यादा फायदा मिले ठीक है क्योंकि बचो जैसे आप अटेम्प्ट आपके बढ़ते जाएंगे ना यूपीएससी में आप ये सब बातें अरे ये कौन लिखेगा ये सब प्राइमरी सेकेंडरी मैं लिखूंगा क्या ये मैं चार बार मेन्स दे चुका हूँ वो ईगो आ जाता है उनमें और बच्चों बेसिक बातें लिखते नहीं है वो हाईफाई बातें लिखते हैं और उसका जो है उनको कोई फायदा नहीं मिलता है सो so, बेसिक बातें बच्चों और लिखिए आप ठीक है यूपीएससी सपोर्ट करती है इवन जो है चेयरमैन यूपीएससी के ओके okay, उनका एक इंटरव्यू है यूट्यूब पे वो क्लियरली कह चुके हैं कि हमें जो है यंग लोग चाहिए तो आप में वो सब ये देखेंगे ठीक है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी आप कहना चाहें ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता उस पर इशू जो है सारी बातें कर नहीं सकते ऑनलाइन में ठीक है तो बच्चों बेसिक्स को कभी ना भूलें अपने जीएस के पेपर में खास तौर पे पर हाँ आपको जितना आपको स्पेशलाइजेशन दिखाना है जितना जितना आपको दिखाना है कि मैं बहुत ही पढ़ाकू वो आप अपने ऑप्शनल के पेपर में दिखा सकते हो वहां आपके लिए मैदान खुला हुआ है जीएस के पेपर में बेसिक को कवर करते हुए और अच्छा आप लिख सकते हो तो बेटर है बट बेसिक्स जो है आपके कवर होने चाहिए ठीक है आई होप यहां तक सबको चीजें जो है क्लियर है तो वह जो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इनको हल्के में ना लीजिएगा ओके जेंडर इनक्वालिटी जेंडर पे गए आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ओके डेमोग्राफिक डिविडेंड वगैरह अब हम चलते हैं तीनों सेक्टर्स की तरफ यहां तक तर किसी को प्रॉब्लम तो प्लीज आस्क मी ओके okay. पूछ लीजिए यस हम्म बिल्कुल सही है अनु ठीक है तो बच्चों हर जगह आपको यार इसके डेटा भी मिलेगा जैसे अनु दे रही है डेटा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बच्चों उनकी कम है आप उनकी बच्चों लिट्रेसी रेट देख लीजिए यार मतलब साक्षरता शाक, शाक, दर जिसे कहते हैं शायद हिंदी में वो देख लीजिए आप उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख लीजिए आपको पता है जो भारत में केवल एग्जैक्टली exactly तो मुझे पता नहीं मेरे टाइम का डेटा है ये सिर्फ 11 परसेंट उसमें हम पढ़ते थे कि बस सिर्फ 11 परसेंट बच्चों जमीन जायदाद जो है वो औरतों के नाम पे बाकी 90 परसेंट जमीन जायदाद जो है भारत में जितने भी लैंड वैंड जितनी भी प्रॉपर्टी हैं गाड़ी घोड़े ये सब आदमियों के नाम पे है तो इस डेटा को इस इस बात को प्रूफ करने के लिए बहुत सारा डेटा दे सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं हम चलते आगे चलते हैं हम प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर ठीक है वह जो एक ओके इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो है आप ठीक है कई तरह से बांट सकते हो ठीक है एक तो बचो आप उसको यू नो बेसिकली एक तो अपना वोला सेक्टर होता है कि मेन जो सेक्टर होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर है ये ठीक है एक होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठीक है एक होता है आपका सर्विस सेक्टर वो एक अलग तरह का क्लासिफिकेशन है बचो यहां जो हम सेक्टर पढ़ रहे हैं ये बेसिकली यू नो बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये वैल्यू एडिशन बेस्ड क्लासिफिकेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग और जो आपका सर्विस सेक्टर ओके वो तो टाइप ऑफ वर्क क्या कर रहे हो आप ओके okay, टाइप आपका ऑक्यूपेशन क्या है ठीक है एंड प्रोडक्ट आपका क्या है आपका ऑक्यूपेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन हो गया वो जो ये इकोनॉमिक बेस्ड क्लासिफिकेशन है और ये ज्यादा क्लासिफिकेशन आपको मेरे हिसाब से पता होना चाहिए क्योंकि वो तो बहुत सिंपल है कि खेती में कितने लोग हैं इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग में कितने लोग हैं सर्विसेज में कितने लोग हैं ये सेक्टर फिर भी ये चीज जो है फिर भी नहीं पता होती लोगों को जो कि पता होनी चाहिए लेट्स गो टू लेट्स गो टू इट डायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है इकोनॉमी का जहां पर इंसान और नेचर सिर्फ दो लोग हैं ओके okay? और वो डायरेक्टली इंसान जो है ह्यूमन्स जो हैं हम लोग जो हैं डायरेक्टली नेचर से सामान ले रहे हैं और से कंज्यूम कर रहे हैं जैसे कि मैंने उगाया या मेरे घर में उगा हुआ था एक सेब का पेड़ ठीक है एक सेब का पेड़ मेरे घर में उगा हुआ है उगाया है मैंने जो भी है दैट इज नॉट अ कंसर्न मैंने बच्चों उसकी सेवें तोड़ी थोड़ी बहुत मैंने सेवें खाई और बाकी सेब बाजार में जाकर बेच दी ऐसे ही आम का भी एग्जाम्पल ले सकते हो या आपका जो भी फेवरेट फ्रूट है आप उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हो तो वो जो मेरे घर में आम का पेड़ लगा हुआ था ठीक है और मैंने आम तोड़े और मैंने आम जाकर सीधे बाजार में बेच दिए चालीस जो भी भाव चलता है मैंने क्या एक्टिविटी करी है यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर इसी तरह से बच्चों मैंने गेहूं लग गेहूं उगाया गेहूं निकाला गेहूं मैंने बेचा ये आपके प्राइमरी सेक्टर है इसी इसी तरह से बच्चों मैंने आयरन ओर है जो आयरन ओर मतलब जो मिट्टी जिसमें आयरन मिला हुआ है वो आयरन मैंने खोदा ट्रक में भरा और सीधा बेच दिया जहां पे आयरन एंड स्टील बनता है वो बचो प्राइमरी एक्टिविटी है यहां पर हमें कॉमन चीज क्या दिखाई दे रही है कि बच्चों कुछ भी वैल्यू एडिशन हम नहीं कर रहे हमने गेहूं लिया गेहूं को बेच दिया आगे जो खरीदने वाला है वो जाने उस गेहूं का क्या करेगा वो पीस के आटा बनाएगा रोटी बनाएगा उसको जो है वो क्या प्रिजर्व करेगा उसको जो है वो बिस्किट बनाएगा उससे उससे जो है गेहूं से पचास तरह की चीजें बनती है वो क्या करेगा उस पर डिपेंड करता है लेकिन मैंने जो है प्राइमरी सेक्टर में मैंने काम किया मतलब नेचर से मैं डायरेक्टली ले रहा हूं आगे दे रहा हूं कुछ नहीं कर रहा हूं मैं सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है है आप वैल्यू एडिशन करते हो ठीक गेहूं मैंने ले लिया किसान से उस गेहूं से बच्चों मैंने बिस्किट बना दिया एक रुपए का गेहूं था वो पांच रुपए का मैंने पार्लेजी बना दिया वैल्यू एडिशन मैंने कराया दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन एंड दिस इज द सेकेंडरी सेक्टर मैंने आम लिए मैंने अंगूर लिए मैंने सेब खरीदी मैंने कुछ मशीनें खरीदी मैंने क्या करा उन सबको मिलाकर फ्रूट जैम बना दिया जैम आप सब खाते ही होंगे अब नहीं खाते तो बचपन में तो खाया ही होगा तो बच्चों ये जो है सेकेंडरी सेक्टर है ठीक है सेकेंडरी सेक्टर है ये मैंने बच्चों लोहा लिया आयरन और लिया ओके स्टील लिया और उस स्टील से मैंने जो है गाड़ी बना दी ओके okay, मैन्युफैक्चर कर दी गाड़ी बना दी गाड़ी में अधिकतर स्टील ही होता है बेसिकली इंजन विंजन का हटा ले लें सारे पार्ट मोस्टली स्टील ही होता है लोहा होता है स्टील होता है मैंने गाड़ी बना दी तो वैल्यू एडिशन मैंने करा इसे कहते हैं बच्चों हम सेकेंडरी सेक्टर ठीक है टर्सरी सेक्टर वो होता है बच्चों जो बेसिकली एक तरह से जो नो हायर लेवल की इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है जिसमें कि बेसिकली आप अगर सिंपली समझना चाहो उसको सर्विस सेक्टर जो होता है ठीक है जो टर्शरी सेक्टर अगर आपका अच्छा है जैसे टर्शरी सेक्टर का एग्जाम्पल क्या है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सर्विसेज इंटरनेट समझ रहे हो आप ये टर्शरी सेक्टर होता है आईटी सेक्टर से बेस्ट एग्जाम्पल है आईटी सेक्टर जो है सॉफ्टवेयर बनाना ओके ये बचो टर्शरी सेक्टर है, हायर लेवल का सेक्टर है वो अगर टर्शरी सेक्टर किसी देश का अच्छा है तो वो इन दोनों को हेल्प करता है सेकेंडरी को और प्राइमरी सेक्टर को आगे बढ़ने के लिए जैसे बच्चों टर्चरी सेक्टर मतलब मान लीजिए मेरे देश में बहुत अच्छा e का हम प्रोजेक्ट वो नाम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है मेरे देश में और बहुत ही अच्छा चल रहा है इस पर आप दुनिया में कहीं पे बैठे हो उसमें आप जो है जितना भी जो भी गेहूं चावल या जो भी फ्रूट या जो भी चाय वाय रबर ऑयल पाम कुछ भी आपको एग्रीकल्चरल से रिलेटेड सामान चाहिए आप ऑनलाइन जैसे अमेजोन पे गए और खोला देखा अच्छा ये भाव चल रहा है मिनिमम यहाँ से इतना रुपये का पड़ रहा है ऑर्डर करा पेमेंट करा आपके घर पे या आपके गोडाउन में सामान आ गया बच्चों ये सब किसकी बदौलत हो पाया टर्शरी सेक्टर की वजह से फायदा किसको पहुंचा प्राइमरी सेक्टर को तो बच्चों टर्शरी सेक्टर जो है सबकी जो है यू नो कैपेसिटी बढ़ा सकता है इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है हो सकता है बच्चों मेरे गाँव में मेरे देश में जो है बहुत अच्छा जो है यू uh, नो you know, कोई फल है यूनिक कोई आइटम है वो उगता हो ओके वहाँ पर ऐसी जोग्राफिकल कंडीशन है कि वहीं पे उगता है वो लेकिन मेरा देश जो है एकदम वहाँ पे जो है यू you नो know, uh, टेररिज्म है या मतलब आप समझ लीजिए लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है कोई सरकार नहीं है गुंडा राज है मैं अपने सामान को जो है दूर दूर प्रदेश के देशों में बेच ही नहीं पा रहा हूँ तो बचो फिर आपका प्राइमरी सेक्टर कितना भी बढ़िया हो कितनी भी अच्छी हो वो कुछ भी आपको जो है फ्रूट नहीं देगा तो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जहाँ जो दिखाई दे रहा है 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 बच्चों वो सेक्टर ठीक आज अगर भारत की इकोनॉमी में देखा जाए या किसी भी डेवलप्ड कंट्री की इकोनॉमी में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो सर्विस सेक्टर का होता है और बच्चों यहाँ पर बहुत ही हाई स्किल्ड डेवलपमेंट का रोल है मतलब अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो बच्चों हाईली स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए आपको यहाँ पर थोड़ा कम स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए आपको यहाँ पर और बल या बिल्कुल मिनिमल जो आपको है ह्यूमन रिसोर्स चाहिए यहां पर ठीक है ठीक right, है तो बच्चों देख न्यूटन ने जो एक आदमी ने सेब तोड़ा थोड़ा हो, खा गया उसको या जो है सेब तोड़ा उसने बेच दिया वो आपका एग्जाम्पल है प्राइमरी सेक्टर का न्यूटन ने देखा बच्चों के वही सेब गिरा और उस सेब से जो है गिरने से उन्होंने जो है ग्रेविटेशन का लॉ बना डाला तो वो बच्चों यहां पर आएंगे उनका जो स्किल का लेवल था दिमाग का लेवल वो यहां पे था एक आदमी ने वो सेब गिरा देखा भाई जमीन पे गिरा है बेच देता हूं बाजार में दस बीस रुपए का बिक जाएगा तो बस ने उसने उसने काम किया प्राइमरी सेक्टर वाला और न्यूटन ने काम किया टर्शरी सेक्टर वाला जिसका आज भी हम कहां, -कहां पे वो लॉ का जो है इस्तेमाल करके ग्रेविटेशनल लॉ जो है उसका हम फायदा उठा रहे हैं सो दीज आर दीज थ्री सेक्टर्स और बच्चों यहाँ पे पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन भी है गाड़ी कुर्सी ओके okay. जैसे बच्चों आपने लकड़ी काटी ओके जंगल से तो प्राइमरी एक्टिविटी आपने करी ठीक है लकड़ी काट के बच्चों आपने बेच दी किसी कंपनी को या किसी कारपेंटर को उसने उसी कुर्सी बना दी टेबल बना दी तो वो लकड़ी आपसे तो सौ रुपए में ले गया वो और उस लकड़ी से जो कुर्सी बनाकर उसने हजार रुपए की बेच दी तो बच्चों यहां पर वैल्यू एडिशन का बहुत बड़ा रोल है ठीक है जो डेयरी का बता रहा है वो जो डेयरी से जो है आप दूध आप तो बेचा है उसने दूध से जो है पता नहीं कौन सा चीज बना दिया मोजरेला वोजरेला कौन सा चीज बना दिया उस चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा है टर्शरी सेक्टर इज बेसिकली है सर्विस सेक्टर विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू सो दीज आर सेक्टर्स ऑफ एंड दिस द बेस ऑफ इकनॉमी अब वो इन तीनों का जब इकोनॉमिक प्लानिंग होती है जब मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लानिंग होती है या कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा जब वो इकोनॉमी को देखता है किसी भी देश की तो बचो वो इन तीनों सेक्टर्स को देखता है कि अच्छा इस देश का किस में मामला जो है क्या है ओके okay. एग्रीकल्चर में है ये मैन्युफैक्चरिंग में है टर्चरी सेक्टर में है ठीक है तो ये यही सेक्टर्स ऑफ द इकनॉमी एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस पर बच्चों क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है ठीक है तो कहीं ना कहीं बच्चों ओवरलैप करते हुए दिख रहे हैं हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सर्विस सेक्टर और यू नो एग्रीकल्चर सेक्टर बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटीज है ठीक है ये सेकेंडरी एक्टिविटीज है और ये टर्सरी एक्टिविटीज है समझ गए आप लोग कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछिए ठीक है थीके? फिर अपने को उसको इंटरलिंक करते हैं फिर आज की क्लास अपन जो है फुल स्टॉप लगाते हैं क्योंकि बच्चों जो एक बजे हमारी तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है इंडो यूरोप यूरोप रिलेशन की ऑन लच्छा यूपीसी चैनल सो विल बी देर एट वन पी एम एंड वो क्लास आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एग्जाम अगले एक दो साल में देना है ठीक है सो so, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप पूछिए वरना हम जो है आगे बढ़ते हैं ठीक है यस यस अनु यस तो वजह कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं ठीक है सो so बचो ये तीनों सेक्टर वैसे गाइज मैंने आपको बताया कि ओके द यू नो द दर्शरी सेक्टर इज हेल्पिंग यू नो अदर सेक्टर्स बट बच्चो कहीं ना कहीं ये तीनों सेक्टर यार एक ही मशीन के तीन पार्ट्स हैं एक ही गाड़ी के तीन पहिए हैं या एक ही ऑटो के तीन पहिए हैं तो बच्चो तीनों साथ ही चलते हैं तालमेल इनमें जो है बना रहना चाहिए अगर बच्चो गाड़ी मेरी बनी बन गई पर पहुंची नहीं आगे ठीक है ट्रेन में तो वो वही फैक्ट्री में खड़ी रह गई तो फिर वो क्या ही बिकेगी ठीक है और बच्चों अगर ट्रेन ही मैंने नहीं बनाई सेकेंडरी सेक्टर में मैंने ट्रेन का डब्बा ही नहीं बन पा रहा पटरी ही नहीं बन पा रही तो फिर सर्विस सेक्टर भी क्या ही कर लेगा ठीक है अगर बच्चों इन सब जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में टर्सरी में इनको बच्चों किसान अगर हमारा खाना ही नहीं दे पाएगा रोटी ही नहीं दे पाएगा पेट ही नहीं भर पाएगा तो फिर क्या सर्विस सेक्टर क्या सेकेंडरी सेक्टर सब कुछ तबाह है सब कुछ बर्बाद है तो एक तरह से तीनों बच्चों इंटरडिपेंडेंट है यही आपकी एनसीईआरटी कहती है इसमें आप खुद भी अब जो है दिमाग लगा सकते हो तो ज्यादा आपको जो है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताने की जरूरत नहीं है ठीक है तो आप खुद भी सोच सकते हो कि हाँ यार सब डिपेंडेंट है ठीक है तो बच्चों यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर है और यहाँ पर जो है कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे यू नो इसने ये जो है पॉटरी बना रहा है यहाँ पे ठीक है जो पॉटरी तो बच्चों क्या है तो मिट्टी ली जमीन से और जो है उसमें आपने उससे मटका बना दिया खेती हो रही है यहाँ पे कोयला निकाल रहा है ये ठीक है सीधा जमीन से कोयला निकाला बेच दिया उसको ये मछली पकड़ रहा है ये दूध निकाल रहा है तो बचो ये जो है प्राइमरी है तो एग्रीकल्चर डेयरी फिशरी फॉरेस्ट्री वगैरह ये सब आप इस सेक्टर के अंदर डाल सकते हो प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में आपको कहते हो इट्स बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ मैनुफैक्चरिंग ओके जैसे कि रुई आपने बेची किसी को और उस रुई से उसने जो है कपड़ा बना दिया उस कपड़े से बच्चों शर्ट बना दिया टी शर्ट बना दिया वो रुई की दीम कीमत थी सौ रुपए कच्चा जो कपड़ा बनाया उसकी कीमत थी हज़ार रुपए और जो टी शर्ट बन गया उससे उसकी कीमत हो गई दो हजार रुपये तो बच्चों इससे जो है वैल्यू एडिशन होता रहता है वैल्यू एडिशन होता रहता है वैल्यू एडिशन होता रहता है ठीक है और ये तो आपने जो है एक ही रिसोर्स की बात करी है मल्टीपल रिसोर्सेज भी कई बार काम आते हैं ठीक है जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स आपको प्रोडक्शन करना है जैसे कि लैपटॉप बनाना है आपको तो कई तरह की चीजें चाहिए होगी तो जगह जगह से आप पार्ट जो है स्कोर करोगे और जो है उनको जो है फिर आप यू नो यूज करोगे अपने यू नो फॉर द प्रोडक्शन ठीक है सो दिस इज द थिंग दाइट टर्शरी में फिर आपके बच्चों सर्विस आ गई एटीएम बैंकिंग पुलिस जो बच्चो ये ये भी एक सर्विस है आप बोलोगे सर मैं आईएएस बनूंगा मैं आईपीएस बनूंगा मैं किस सेक्टर में जाऊंगा तो बच्चों आप जाओगे सबसे टॉप सेक्टर में ठीक है टर्शरी सेक्टर में ओके okay? तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है आप टॉप सेक्टर में रहोगे तो बच्चो मेडिकल हो गया हेल्थ हो गया एजुकेशन हो गया जैसे मुझसे कोई कि सर आप आप क्या काम करते हो आप, आप 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 कौन से सेक्टर में आओगे तो बच्चों मैं आऊंगा टर्शरी सेक्टर में क्योंकि मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं मैं ऑगमेंट कर रहा हूं ठीक है हो सकता है मेरी बात से आप इंस्पायर होकर कल जो है मुकेश अंबानी अदानी या कोई बड़े बिजनेसमैन बन जाओ तो आप बच्चों बड़े उद्योगपति कहलाओगे और आप सेकेंडरी सेक्टर में जाओगे ठीक है और टर्शरी सेक्टर इज द टॉप सेक्टर स्कूल वगैरह हो गए ठीक है ट्रेड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन आईटी बीपीओ बैंकिंग सर्विसेज ये सब जो है आपके लिए टर्शरी सेक्टर में आती है ठीक है और बचो ये तीनों इंटरडिपेंडेंट हैं ठीक है टर्शरी सेक्टर का थोड़ा ज्यादा रोल है बचो टर्शरी सेक्टर ओके डायरेक्टली ऑगमेंट कर सकता है प्राइमरी सेक्टर की कैपेबिलिटीज को और नेचुरल और सेकेंडरी सेक्टर्स को लेकिन हम ये भी नहीं कहना गलत हो जाएगा कि सिर्फ टर्शरी सेक्टर जो है वो बढ़ावा दे रहा है प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर वो कहीं ना कहीं बच्चों टर्शरी सेक्टर भी डिपेंडेंट है प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर्स पे ठीक है प्रभाव लेकिन जो ज्यादा मोटा यहां पे रहेगा वो टर्शरी सेक्टर का रहने वाला है बाकी सारे सेक्टर्स के ऊपर ठीक so okay? है सो दिस इज द बेसिक थिंग्स ओके अब बच्चों दोबारा अपने कंसेप्ट आते हैं ह्यूमन रिसोर्स ठीक है तो बच्चों ये बच्चे हैं दो लड़का लड़की तो पहले तो जो है इनमें भेदभाव नहीं करना है कुछ भी हमको और अब अब इनको जो है आगे ये देश का भविष्य ऐसे ही लोग नहीं कहते कि देश का भविष्य है बच्चे जो होते हैं देश का भविष्य होते हैं तो बच्चों भविष्य या तो आपका अंधकार में हो सकता है या पूरा उजाला से जो है भरा हुआ हो सकता है इट ऑल डिपेंड्स कि आप आज जो बच्चे हैं उनको क्या सिखा रहे हो ओके okay? आप उनको कुछ भी नहीं सिखा रहे हो आप उनको जो है यू you नो know? यू आर डूइंग नथिंग फॉर देम आप उनकी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो आप उनकी जो है पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो लिटरेसी रेट जो है गिरता जा रहा है जेंडर गैप बढ़ता जा रहा है ओके okay? तो गाइज जो है देश का भविष्य मेरे हिसाब से अंधकार में है और बच्चों आज अगर आपने इन बच्चों को पढ़ा लिखा दिया और जो है सारी नॉलेज दे दी तो बच्चों देश का भविष्य 100 परसेंट हंड्रेड परसेंट जो है आपका बिल्कुल चमकदार जो है होने वाला है तो बचो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट करती है ठीक है जैसे बच्चों वही बात है यहां पर मेरे पास दस जानवर हैं दस गाय मान लीजिए ओके यहां पर मेरे पास सौ गाय हैं ठीक है थीके? लेकिन बच्चों ये दस गाय जो हैं ये बहुत ही हाई उसकी है हाई जो नस्ल होती है जो हाई ब्रिड होती है हाई ब्रिड है ये दस गाय जो है इतना दूध देती है कि जो है इन सौ गायों से भी भारी है इतना प्रोडक्शन करती है ये ठीक है दाना पानी भी इनको थोड़ा ज्यादा लगता है बट बहुत अच्छा जो है क्वांटिटी में ये दूध देती हैं और क्वालिटी भी अगर देखी जाए न्यूट्रिशन क्वालिटी भी जो है तो इन दस गायों की बेहतर होती है ठीक है तो बच्चों अगर आपको भी दस गायें दी जा रही हो या सौ गायें दी जा रही हो तो आप भी यार दस गाय लोगे क्योंकि आपको बताया इन दस गायों को मैनेज करना भी आसान है ये दस में ही सौ के बराबर आ, काम दे रही हैं और यहाँ पर जो है कई सारी प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी तो आप कोशिश करोगे इधर में ठीक तो है जो भी आप में है ही। उसकी केपेबिलिटीज हम ज्यादा कर दें उस हिसाब से तो वो और भी बेटर है तो बच्चों यहां पर दो सीधा जो है बातें निकल कर आती कैसे हम इन जो है ह्यूमन रिसोर्स को बेटर कर सकते हैं तो बच्चों सीधा का सीधा दो वर्ड्स है आपके लिए ये बच्चों दो शब्द पूरी यूपीएससी के लिए पूरी जितनी मैंने पढ़ा यूपीएससी को दस साल से मैं यूपीएससी की फील्ड में हूं ठीक है यूपीएससी का बच्चों कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए कुछ भी उठा लीजिए पेपर एथिक्स ऐसे फैसे जीएस वन टू थ्री फोर बच्चों इन दो चीजों पे हमेशा आपको मौका रहेगा कुछ लिखने का या कुछ यूपीएससी पूछने का हेल्थ और एजुकेशन ठीक है इसलिए गई इन दो सेक्टर्स को लेकर बच्चों ये सिर्फ दो सेक्टर नहीं है ये सब कुछ है मतलब एक देश के लिए एक इकोनॉमी के लिए आपके एग्जाम के लिए ये जो दो सेक्टर हैं बच्चों ये एजुकेशन और हेल्थ इनसे रिलेटेड अगर कुछ भी इस इन दोनों चीजों में आपके पास जो है कंटेंट की जो है कहीं पे भी कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए और ये आपको इतनी जगह काम आएगा इतनी जगह काम आएगा कि आपको एहसास भी नहीं होगा कि काम आ गया आपके आपने यूज़ कर लिया उसको आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया आप आई बन गए ओके okay, मौन मूक बलिदान जिसे कहते हैं ना जैसे जिनका सेक्रीफाइस का कभी पता नहीं चलता तो बचो ये उस तरह की मेहनत है इसमें आप करोगे ना ये कब आप लिख दोगे ऐसे में इनमें से पॉइंट ये हर जगह फिट हो जाती है और यूपीएससी तो डायरेक्टली तो पूछते ही है इस पर सवाल और इनडायरेक्टली तो और भी ज्यादा पूछता है बचो कल की हमारी क्लास का फोकस है वो यही होने वाला है हेल्थ और एजुकेशन जो इस सेकंड चैप्टर का दूसरा पार्ट है तो बचो हमारी पॉपुलेशन को हमें बेहतर करना है तो हमें जो है एजुकेशन और हेल्थ काम करना होगा सो दैट्स माई पॉइंट सो इसी के साथ जो है आज की क्लास एंड करते हैं आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो होगी भले हमने सिंपल कंसेप्ट लिए लेकिन बच्चों हम अब इनसे हमें जिंदगी भर के लिए जो है हम अब जो है फ्री हो गए हैं और आई होप कि आपको ये जो है दोनों चीज़ें सारी चीज़ें मैंने आपको बताई याद रहेंगी ठीक है इनका यूज कीजिएगा अपने आंसर्स में वगैरह वगैरह ठीक है सो आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन से बचो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आप इसी तरह से और भी बेहतर लेवल पे जाकर यह तो लेवल वन में कहूँगा अगर इसका सात टाइम्स बेटर जाकर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आइकॉनिक है या प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लीजिएगा जब भी आप लीजिएगा ठीक है तो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो और बच्चों इसी कोड को आप यूज़ कीजिएगा जब आप सब्सक्रिप्शन लें क्योंकि इस कोड के कई सारे फायदे हैं आप डायरेक्टली मेरी टीम में आ जाओगे ठीक है डायरेक्टली यू बीन माई टीम एंड आपको तमाम और भी फायदे मिलेंगे और एक अच्छी बात और आपके लिए कि बचो बैचेस चालू हो रहे हैं छः अक्टूबर से ठीक है तो इन बैचेज में आप ज्वाइन करके तो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हो इसमें आपको परेशान नहीं होना होता कि यार ये कहाँ से होगा वो कहाँ से होगा ठीक है जितना भी आपको वट एवर यू नो इज़ अ पार्ट ऑफ द सिलेबस विल बी कवर्ड इन दीज बैचेस तो आप जो है इन बैचेस को ज्वाइन करके आराम से पढ़ सकते हो और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन तो मैं हमेशा बोलता हूँ कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लीजिएगा ताकि आप जो है अपना ऑप्शनल भी अच्छे से पढ़ पाएँ ठीक है सो दिस इज अ थिंग बाकीन अकेडमी का यार याब्सक्रिप्शन लेंगे बहुत सारे कारण है उस पर डिबेट करने की या उस पर जो है बात करने की जरूरत नहीं है सेड यू पी कोड बोचो जरूर यूज़ करें आप इसमें मेरी टीम में रहोगे मेरी पूरी टीम आप गाइड करेगी आपको पचास पचास एक ग्रुप्स में रखा जाएगा ताकि आप और बच्चों से भी जो है इंटरेक्ट कर पाओ जो साल दो साल से पढ़ रहे हैं प्लस पे आईकॉनिक के ऊपर उनको एक्सपीरियंस है ठीक है आप मेरे से जुड़े रहोगे डायरेक्टली मेंटरिंग गाइडेंस के लिए डायरेक्टली मेरे और आपके बीच में कोई नहीं होगा मैं डायरेक्टली आपकी मेंटरिंग गाइडेंस होगी आपकी डिस्काउंट आपको पूरा मिलेगा इस कोड से वैल्यूडेशन मटेरियल मैं आपको दूंगा बहुत सारा बहुत सारा के जितना आपको जो थक जाओगे और बेस्ट और अपडेटेड लेटेस्ट वैल्यूडेशन मटेरियल बोथ हिंदी और इंग्लिश के लिए और बोथ प्रिल्स और मेंस के लिए तो ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है स्पोर्ट से और ए शॉर्ट टेलीफोनिक मेंटरिंग गाइडेंस भी मिल रही है आपको ठीक है सो दिस इज माय पॉइंट बाकी बचो आपकी मर्जी मैं तो चाहता हूं आप जल्द से जल्द एग्जाम क्लियर करो और बचो सब्सक्रिप्शन लेने का पॉइंट यही है कि आपका जो एफर्ट है वो जल्दी से जल्द कम से कम लगे और रिजल्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले ठीक है आप ई पे भी ले सकते हो ठीक है सब्सक्रिप्शन जिस पर को कोई किस्त वो कोई ब्याज नहीं देना है और आराम से आसान किस्तों में जो है आप अपना चुका सकते हो ई को एंड गो फॉर द गाइस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक कॉम्बो या प्लस कॉम्बो जो भी आपको सही लगे दो साल या डेढ़ साल का कोड यूज़ करें ठीक है सो शिड यू पी सी टेलीग्राम चैनल पे तो आप जुड़ ही जाएँ उसमें तो कोई सब्सक्रिप्शन लेना नहीं है क्योंकि थैंक यू वेरी मच मोहम्मद गौरी राहुल प्रांशी अंशिका उपेंद्र ओके यू आर द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर हो गए थैंक यू अनु अनु चौधरी थैंक यू वेरी मच थैंक यू अनु थैंक यू ओके तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है बेस्ट आपको हमेशा दिया है और आगे भी आपको बेस्ट ही देंगे तीन साल हो गए बचो हमको अकेडमी में रहते रहते तो कुछ दे रहे हैं इसलिए जो है टिके हुए हैं वरना आपको पता ही है काफी आए और काफी चले गए ठीक है तो डोंट वरी यू विल गेट द बेस्ट टुडे एंड ऑलवेज ऑल गुड बाय टेक केयर और एक बजे दोबारा मिल रहे हैं सी यू उदेयर